बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपकी दुआ से हम भी खैरियत से। मेरे बहन भाई जो बे औलाद है, अल्लाह ताला उनको नेक औलाद दे। और भाई आज मैं क्या कर रही हूँ, आज मैं बना रही हूँ पालक और दाल। कौन सी वाली दाल बन रही है? छिलके वाली मूंग की दाल। तो ये सारा सामान रखा हुआ है यहाँ पर। ये एक पाव दाल है, ये मैंने 2-3 घंटे भिगो के इसको अच्छे से धो दिए, सारे छिलके उतर गए, कुछ रह जाते हैं, जो छिलके उतर जाए उतार दें। और ये एक बड़ी गड्डी पालक है, ये 2 टमाटर, 1 चम्मच धनिया, 1 चम्मच मिर्चे, कुटी हुई मिर्चे लिए मैंने, और ये नमक लिए 1/2 चम्मच, 1/2 चम्मच हल्दी ली है। यह हमारी चाय बन रही है, शाम का टाइम है तो हमारी चाय बन रही है। और एक बड़ी प्याज ली थी तो आधी मैंने छोटी छोटी काट ली है, और आधा लहसुन छोटा छोटा काट लिया है। कुचल भी सकते हैं, पीस के भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा जीरा। और ऐसे ही भगार का रख दिया सामान, क्योंकि इसमें डबल भगार डलेगा, पहले तो भगार से चढ़ेगी फिर डबल भगार डलेगा, तो ये इसमें डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब तक ये गोल्डन ब्राउन होगा तो हम आपसे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो बच्चों आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ खूबसूरत सा बेबी बेक। मेरी एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने बोला था कि आंटी मेरे अल्लाह ने खुशखबरी दी है तो आप एक बेबी बेग बनाना सिखा दें। तो मैंने बोला चले उनके लिए एक बेबी बेग बनाना सिखा देती हूँ। तो उसमें छोटे बच्चे के कपड़े आराम से रख के बंदा जा सकता है। तो मैं आपको थोड़ी देर में वो दिखाने वाली हूँ, थोड़ा मैं काम कर लूँ, कुकिंग हो जाएगी तो हम आपको बीच में दिखाते हैं। तो हमारी थोड़ी सी लाइट ब्राउन हो जाए, हल्की सी ब्राउन हो गई है। अब हम इसमें सारी पालक शामिल कर देंगे। सबसे पहले पालक डालेंगे इसमें, ताकि पालक का जो पानी है वो थोड़ा सा दब जाए। ये देखें पालक एकदम पूरा पानी पालक में छोड़ दिया, कम हो गई। अब हम इसमें दाल डालेंगे। दाल हमारी भीगी हुई, ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं इसको पकने में। इसको इस तरह ये देखिए इसी पानी में हम इसको 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अभी हम कोई मसाला नहीं डालेंगे इसमें। ये देखें 5 मिनट हो गए पकते हुए। ये देखें दाल का कलर देखें, जैसे खिल गया ही, इसलिए हमने 5 मिनट इसको पकाया है ताकि एते नहीं डाल, क्योंकि हम टमाटर से 2 टमाटर इसमें हमने बिल्कुल बारीक पेस्ट बना के डाल लें। ये देखें कितना प्यारा लग रहा है। अब हमारी दाल एतेगी नहीं एकदम, अगर इसको शुरू वाली नहीं बनानी, खड़ी खड़ी बनानी है तो दाल गल जाएगी, एकदम खड़ी खड़ी रहेगी। ये ढाबा स्टाइल दाल है, बहुत मजे की पकती है। अब इसको हम थोड़ा सा पानी डाल के 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे, दाल हमारी पूरी गल के तैयार हो जाएगी। जब तक हम चलते हैं आपको कुछ दिखाने के लिए, तो चलते हैं बच्चों। हाँ तो बच्चों ये खूबसूरत बेक देखिए, कितना खूबसूरत बेक है। ये बेबी बेक का बोला था ना, तो देखिए मैंने बेबी बेक बना के अपने चैनल में डाल दिया है, तो आपको उसकी पूरी वीडियो उस चैनल में देखनी पड़ेगी जाके। ये देखिए ये 2 जेबें हैं आगे, ये जैसे बेबी इसमें होती है ना। और ये देखिए कितना चौड़ा बना हुआ है, ये कितना चौड़ा बना हुआ है। इसमें मेरे 4 सूट आ गए, और ज़ाहिर है बच्चे के जो कपड़े हैं इसमें कम से कम 8 सूट तो आ ही जाएंगे बच्चे के। यहाँ का 4 बच्चे के सूट रखे हैं, और उसका लपेटने का और बोतल पेम्पर क्रीम वगैरह सब आ जाएगी इसके आराम से। इसमें इससे बड़ा बेग भी बनाना है इंशाल्लाह, आपको ज़रूर बताऊंगी। लेकिन ये नॉर्मली बेग है कि अगर कहीं जा रहे हैं एक दिन के लिए जा रहे हैं तो उसमें पूरी बच्चे की चीज़ें इसमें आराम से आ जाएंगी। तो बच्चों तो चले चल के देखते हैं कि हमारी दाल पालक कहाँ तक पहुँची। बच्चों देखो ये दाल हमारी बिल्कुल तैयार हो गई, देखें ये खुद ही घुट गई है, दाल ये खुद घुट गई है। अब हमने तेल रख दिया है गर्म पे भगार डालने का, प्याज लहसुन जीरा इसका भगार डालेंगे, और कड़ी पत्ता थोड़ा सा हम गर्म मसाला डालेंगे अपने, इसमें तैयार हो जाए ना उसके बाद गर्म मसाला। ये 1 चम्मच गर्म मसाला इसको ऐसे छिड़क देना है, ये 1/2 चम्मच है छोटा, ऐसे छिड़क देना। भगार में हम ये 1/2 चम्मच कुटी मिर्ची भी डालेंगे, इसमें हमने 1/2 चम्मच कुटी मिर्ची डाल दी, फौरन के फौरन इस भगार को हमने। हमारी पूरी दाल बनके तैयार है, बहुत मजेदार खुशबू आ रही है और मुंह में पानी आ रहा है। आज हम खाएंगे दाल पालक। तो आप लोग क्या खा रहे हैं और आप लोग कब बना रहे हैं? बच्चों हमारी वीडियो पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और हम सबको बहुत सारी दुआओं में याद रखें, हम भी आपको याद रखेंगे।
तो नेक तमन्नाओं के साथ अल्लाह हाफिज।